तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हमारे मिस्टर ग्वीनाम हमें सीजन 2 के अंदर देखने वाले हैं। अब देखो जो सीजन 2 है उसके अंदर ग्वीनाम के होने के काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि सबसे पहली बात तो भाई विलन एक नंबर का था। बंदा बेशक कितना ही घिनौना गलीच हो, पर फिर भी ये विलन एक काफी अच्छा था, जिसे देख कर बंदों को डर भी लगता था। और हम सब जानते कि भाई एक अच्छे हीरो को एस्टेब्लिश करने के लिए एक अच्छे विलन की भी जरूरत पड़ती है। जस्ट लाइक तुम एग्जाम्पल देख सकते हो बैटमैन और जोकर का, जहाँ पर जो बैटमैन है वो जोकर के बिना अधूरा है, वैसे ऑल ऑफ अस डेड बीस के बिना अधूरी है। मैं मानता हूँ इसका जो गोल है चोंगसान की आंख लेने का, वो आखिर में इसने पूरा कर लिया था, जो कि हम फैंस नहीं चाहते थे कि ये पूरा करे, पर फिर भी ना चाहते हुए भी इसने वो पूरा कर लिया था। जिसके बाद हमें दिखाया गया था कि जो ये और चोंगसान है दोनों ही बूम ब्लास्ट की चपेट में आ गए थे, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो चोंगसान उसने इसे एज अ शील्ड यूज किया, मतलब कि बंदा कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर हो रहा है। अब देखो चोंगसान का रिटर्न तो 100% होना ही है, क्योंकि वो तो मेन कैरेक्टर है, उसके पास प्लॉट आर्मर भी है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर ग्वीनाम की बात करते हैं, मेरे हिसाब से वो यहाँ पर जिंदा बच जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी बंदे की मौत में तीन तीन बार डिफरेंट तरीकों से दिखाया गया, जहाँ पर पहले उसे सुयोग ने थर्ड फ्लोर से फेंका, जहाँ पर वो अगेन जिंदा हो गया था, उसके बाद उसे फिर उसे नामरा ने जो स्कूल उसके टॉप फ्लोर से फेंका, उसके बावजूद वो जिंदा बच गया, और लास्ट बार उसे चोंगसान ने फेंका था, जहाँ उसके शरीर के आर पार सरिये हो गए थे। अब देखो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि आप उसके जो वाइटल ऑर्गन्स है लाइक किडनी वगैरह ये सारी डैमेज हो गई होगी, पर इसके बावजूद भी उसने चोंगसान से सिर्फ फाइट ही नहीं की, उसे लिटरली उसकी आंख छीन ली थी, जो कि शो करता है कि भाई उसका हीलिंग तो बहुत कमाल का है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस है कि वो अपनी इन इंजरी को भी हील कर लेगा, जो कि उसे बर्निंग कारण हुई होगी। इसके अलावा अब हमें इसके रिटर्न के अलावा और किसी चीज की बात करनी चाहिए, क्या सीजन 2 के अंदर भी ये हमारे हीरोज के खिलाफ होगा, क्योंकि इसका मेन मोटिव जो चोंगसान की आग पाना था, जो किसने एट द एंड पा भी ली थी। अब देखो सीजन 2 के प्लॉट के लिए मेरे पास एक थ्योरी है, जो कि अगर उसके हिसाब से होता है तो मैं भी जो ये बंदा है वो एक्चुअली में हमारे हीरो यानी कि चोंगसान और नामरा और बाकियों की मदद कर सकता है, जो कि अगर उस थ्योरी को जानना चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना। और इस सब के अलावा एक फाइट जो कि मैं और तुम भी देखना चाहते होंगे कि वो लड़की जिसको जो ग्वीनाम और उसके दोस्त हमेशा परेशान करते थे, जो कि बाद में एक हम भी बन चुकी थी, जिसे जो सोल्जर्स ने पकड़ लिया था, उसकी फाइट अगर ग्वीनाम से होगी तो कितना मजा आएगा। और देखो ये फाइट सीजन 1 के अंदर भी देखना चाहते थे सारे फैंस, जो कि हम नहीं देख पाए, तो अगर ये फाइट जो सीजन 2 के अंदर ये कंप्लीट कर देते हैं तो ये देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, जो कि भाई अगर ये कर देते हैं तो सीरियसली वो एपिसोड मेरा फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये दोनों ही होल्ड बैक नहीं करेंगे, जहाँ पर हमें एक हम्बी का फुल पोटेंशियल दिखाई दे सकता है कि एक्चुअली में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है एक हम्बी के पास। बाकी वो तो हमें सीजन 2 के अंदर दिखाई दे जाएगा कि क्या इनकी फाइट होगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इंस्टा का लिंक दे दिया है, जो कि अगर तुम चाहो तो जाकर फॉलो कर सकते हो, प्लीज कर लेना, मुझे काफी अच्छा लगेगा। और चाहो तो तुम वहाँ पर मुझसे DM भी कर सकते हो कि कोई भी अगर तुम्हारा रिलेटेड क्वेश्चन हो या कुछ और बात करनी हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने कमेंट्स बताना कि जो सीजन 2 से रिलेटेड मेरे दिमाग में जो थ्योरी चल रही है उस पर क्या मुझे वीडियो बनानी चाहिए। अगर तुम अच्छा रिस्पॉन्स देते हो इस वीडियो पर तो हाँ डेफिनेटली मैं उसे भी बनाऊंगा।